अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मटन कीमा कोफ्ता। मटन कीमा कोफ्ता बहुत ही इजी तरीके से कैसा बनाते हैं आज का हमारा वीडियो में देखेंगे हम। इसलिए मैं यहाँ ली थी एक कट्टा कोतमीर एक कट्टा लिए तो उसका आधा पुदीना लेना है। उसके बाद चार पांच हरी मिर्ची और थोड़ा लहसुन। हरी मिर्ची तो मैं चार पांच इंच ली हूँ, आपको तेज खाने वाली है तो आप और हरी मिर्ची ले सकते हैं। यहाँ ली थी आधा किलो कीमा और एक अनियन। अब ये अनियन को कटिंग करेंगे। ये कटिंग करेगा अनियन है। और यहाँ ली थी थोड़े से जीरा और थोड़ा काली मिर्च। आप गरम मसाला आपको पसंद है तो आप उसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते। थोड़ा सा नमक डाल के हम ये मसाला सूप ग्राइंड करेंगे। ये मसाले में है हरी मिर्ची, लहसुन, कोतमीर, पुदीना, काली मिर्च, जीरा और अनियन, प्याज। ये सूप ग्राइंड अच्छे से करेंगे। उसके बाद ग्राइंड करे हुआ हरा मसाले में से दो चम्मच हरा मसाला हम साइड में रख देंगे, इसको बाद में यूज़ करेंगे। ये देखिए, इसके साथ कीमा नहीं ग्राइंड करना है, कीमा अलग से। अभी वही जार में अपन कीमा डाल के अभी अच्छे से ग्राइंड करेंगे। कीमा मैं थोड़ी देर पहले वॉश करके रखी थी, उसका पानी अच्छे से ड्राई होना है हमारे को। अभी इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया, उसके बाद भी मैं थोड़ा पानी है तो उसको भी हटा के इसमें ग्राइंड करूँगी। पानी कितना ड्राई हो गया उतना अच्छा रहेगा हमारे को। ये देखिए, अभी अच्छे से ग्राइंड हो गया है पर इसको अब ये मसाला के साथ मिक्स करना है। कीमा अच्छे से ग्राइंड होना नहीं है तो अपन को कोफ्ता बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, कोफ्ता सही से नहीं बना पाएंगा। देखिए, अभी अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरे थोड़ा और ग्राइंड नहीं हुआ था, फिर से मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड करी हूँ, उसका बाद मिक्स करिए ऐसा। देखिए, इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करना चाहिए। उसका बाद यहाँ मैं अब कोफ्ता बना रही हूँ। कोफ्ता देखिए, मैं बना रही हूँ छोटे छोटे कोफ्ता, आपका चॉइस है। आप उसको बड़ा कोफ्ता बना रहे तो आपका हिसाब से आप कैसा होना, जितना बड़ा होना जो आप बना सकते हैं। उसका बाद मैं एक कढ़ाई में इसको एक साथ जमा दूँगी। देखो, ये मैं इसमें जब इसको थोड़ा देर फ्राई करूँगी, जो फ्राई करना है जो इस कढ़ाई में, उसको मैं जमा के रख देती हूँ पूरा एक साथ। अभी तो यहाँ कोफ्ता पूरा तैयार हो गया है। उसके बाद उसको स्पीड गैस पे 5 मिनट विदाउट ऑयल, विदाउट पानी का, पानी ऑयल कुछ भी नहीं डाल के ढक्कन लगा कर वैसा अपन 5 मिनट स्पीड गैस पे पकाएंगे उसका पानी सूखने तक। उसका थोड़ा पानी रहे तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अपन थोड़ा सा तेल डालना चाहिए। देखिए, इतना तेल डाल रही हूँ मैं, क्यों बोले तो मैं ये बना रही हूँ मटन कोफ्ता करी। आप लोग को कोफ्ता फ्राई करके खाने वाले हैं तो उसको अच्छा बहुत तेल में आप लोग को फ्राई करना चाहिए। उसका पानी सुखा के, पहले पानी सुखाना ज़रूरी है, उसके बाद फ्राई करना है। अभी देखिए, ये कोफ्ता का पानी पूरा सूख गया, नीचे तेल भी है। देखो, तेल थोड़ा सा डाली हूँ, उसमें थोड़ा देर एक 5 मिनट फ्राई करूँगी। आपको ज़्यादा, आप लोगों कलर ज़्यादा होना है तो उसका फ्राई करना है तो आप लोग को थोड़ा देर ज़्यादा फ्राई करके उसको निकालना चाहिए। मैं इतनी सी फ्राई कर रही हूँ, मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। इतनी फ्राई करके मैं फिर उसको ग्रेवी के साथ पकाऊँगी। और देखिए, ये तो रेडी है अब।
इसका मसाले का तैयारी करेंगे अब ग्रेवी का तैयारी। ग्रेवी के लिए मैं यहाँ लिए थे एक दो अनियन फ्राई करके लिए थे, ये देखिए दो अनियन में फ्राई करे थे, उसको बादामी कलर करे थे। देखो आपको मसाला ज़्यादा होना है तो आप दो का जगह पे चार अनियन फ्राई करके डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा दही डाल के हम ग्राइंड करेंगे। इसके साथ भी मैं कुछ भी नहीं डाल रही, गरम मसाला मैं कुछ भी नहीं डाली। आप लोगों को गरम मसाला पसंद है तो इसमें भी मसाले में भी आप गरम मसाला पीसने में भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये तो अभी रेडी हो गया। अभी यही जार में मैं डाल देती हूँ टमाटर। टमाटर दो दो टमाटर मैं ग्राइंड करूँगी। अभी एक कढ़ाई में से एक कोफ्ता निकाल के दूसरे प्लेट में डाल देती हूँ। ये कढ़ाई में मसाला बनाना शुरू कर देती हूँ। अभी यहाँ मैं अनियन फ्राई करी थी, जो उसका तेल था वही तेल को मैं इसमें ऐड कर डाल रही हूँ। वही तेल में से बना रही हूँ। तेल में बनाने से खुशबू और अच्छा रहेगा। उसमें तो एक तेज़पत्ता डाल रही हूँ और हमारा टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। टमाटो प्यूरी डालने के बाद यहाँ साइड में रखी थी जो हरा मसाला भी इसमें ऐड करूँगी। देखिए उसका बाद अच्छा हमारे को भुनना है। उसका तेल पूरा चुटने तक अपन को अच्छा भुनते रहना है बस। अभी इसमें थोड़ा ऐड करूँगी हल्दी पाउडर आधा टीस्पून। मैं यह हरा मसाला का बना रही हूँ। आप लाल मसाला का बनाने चाह रहे तो यह हरा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए हरा मसाले की जगह पे, और गार्लिक जिंजर पेस्ट भी थोड़ा डाल सकते हैं लाल मिर्ची का बना रहे तो। अभी और अच्छे से भुनेंगे। ये अच्छा भुने गए बाद हम इसको ऐड करेंगे अब ऑनियन का पेस्ट। ऑनियन और दही डाल के पीस के रखे जो पेस्ट को इसको ऐड करेंगे। अभी ये देखिए ये डाले बाद भी एक 5 मिनट्स हमारे को कंटिन्यू उसको हिलाते रहना है। देखिए ऐसा फ्राई करते रहना है और तेल पूरा ऊपर आने तक। अभी इसमें मैं डालूंगी आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर आपको नहीं पसंद है गरम मसाला है तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं, मगर गरम मसाला नहीं है तो आप लोग चिकन मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। उसका बाद आपका हिसाब से आप उसको नमक ऐड करें। थोड़ा नमक डाल देती हूँ मैं। अभी फिर से इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे सब चीज़ों। उसका बाद इसमें अपने को ये कम्प्लीटली रेडी है समझ में आ गया तो हम उसमें डालेंगे अब कोफ्ता। ये देखिए कोफ्ता इसमें ऐड करेंगे। कोफ्ता ऐड करे बाद बंद ढक्कन लगा के हमारे को 5 मिनट्स स्लो पे पकाना है बस। स्लो पे है तो ये रेडी हो जाएगा। देखिए अभी तो ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है, इसको सेट कर देती हूँ अभी। ये देखिए अभी तो रेडी है। अभी इसको ऊपर से थोड़ा कोथमीर डाल देंगे। आप लोग का पास कस्तूरी मेथी है तो आप लोग कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। कस्तूरी मेथी डाले तो आप लोग कोथमीर नहीं डालना है, कोथमीर डाले तो कस्तूरी मेथी नहीं डालना है। ये देखिए अभी तो हमारा मटन कीमा कोफ्ता रेडी है। आप लोग उसको रोटी के साथ, जीरा राइस चावल कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपका फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। अभी हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट और अच्छा वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे। जब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।